लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद ने आज कोपरखेमे में महारक्तदान शिविर का आयोजन किया, जहां सैकड़ों नागरिकों और समर्थकों ने रक्तदान किया। ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नायक ने इस शिविर को समर्थन देते हुए कहा कि कोरोना काल में रक्त की कमी को पूरा करने ऐसे शिविर जान बचाने में मददगार बनते हैं। उन्होंने तेरापंथ युवक परिषद के प्रयासों की भी सराहना की। देखिए रिपोर्ट। रक्त की कमी से हर साल हजारों लोग जान गंवाते हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए तेरापंथ युवक परिषद ने आज कोपरखेमे में महा रक्तदान अभियान चलाया। इस शिविर का उद्घाटन ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक के हाथों किया गया। आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर में अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद द्वारा आयोजित इस कैंप में सैकड़ों नागरिकों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर बीजेपी युवा नेता संदीप नाइक ने कहा कि कोरोना काल में रक्त की कमी देखने को मिली है, ऐसे में तेरापंथ युवक परिषद का यह रक्तदान शिविर जरूरतमंद मरीजों की जान बचाने में मददगार साबित होगा। उन्होंने युवक परिषद को हर सहयोग का भरोसा भी दिलाया और उनके मानव सेवी उपक्रमों की सराहना की। आइए सुनाते उन्होंने क्या कुछ कहा। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद इसके द्वारा आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इस कोरोना की स्थिति में पूरे विश्व में, भारत में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, नवी मुंबई में ब्लड की शॉर्टेज थी, अनलॉक था, मरीज हॉस्पिटल जा नहीं पा रहे थे, ब्लड डोनर्स हॉस्पिटल जा नहीं पा रहे थे, जो स्टॉक था वो ख़त्म हुआ था। और ऐसे कठिन समय पे समाज के प्रति हमारा कर्तव्य और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे युवकों ने आगे आके समाज के लिए काम करना चाहिए, और वही काम अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के द्वारा पूरे भारत में किया गया। आज ओमिक्रॉन की जो स्थिति है और ब्लड की शॉर्टेज है वो समझ के नवी मुंबई में आज कैंप का आयोजन, एक अच्छे काम के लिए एक समाज के लोग इकट्ठा होते हैं और समाज के हित के लिए अपना उद्दिष्ट पूरा करते हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण जैन समाज और भारतीय तेरापंथ युवक परिषद ये है, मैं समझता हूँ। 1 लाख का जो भी टारगेट ब्लड डोनेशन का उन्होंने डिसाइड किया। ऐरोली के प्रथम विधायक ने कहा कि तेरापंथ युवक परिषद अपने घोष वाक्य नूतन चिंतन नया विकास, युवकों में जागे विश्वास का मिशन लेकर धर्म जाति पंथ से ऊपर उठकर जो जन कल्याण का काम कर रहा है वह सराहनीय है। जैन समाज एक अपने समाज के लोगों के साथ रहने वाला शांतता प्रिय समाज है। अपना काम, अपने धर्म का प्रसार और एक अच्छे आचरण उनके माध्यम से हम लोग हमेशा देखते हैं। लेकिन 1 लाख ब्लड डोनेशन का कलेक्शन करना, लोगों को साथ में लेके आना, कैंप्स ऑर्गेनाइज करना, ऐसा एक अच्छा कार्यक्रम उनके माध्यम से किया गया। और ये समय हम कौन से धर्म के हैं, पंथ के, जात के, लेकिन समाज को आज युवकों ने आगे आने की ज़रूरत है और यहाँ पे सभी लोगों ने अपना अपना योगदान देना चाहिए, ये समझ के न डरते हुए, न झिझकते हुए खुद को संभाल के इस समाज के लोग आगे आए। उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप रखा, ब्लड डोनेशन दिया, तो जो समाज एक अच्छा विचार लेके आता है, शांत प्रिय है, वो भी ज़रूरत के समय न डरते हुए ब्लड डोनेशन के लिए आगे आता है, तो एक अच्छी मिसाल कायम उनके माध्यम से की गई है। इन्होंने किया हुआ कार्य ये और भी लोगों को प्रेरणादायी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।